जय हिंद दोस्तों, थर्ड आई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिर से बोल दूँ आपको, अगर यूट्यूब पे आपको थर्ड आई क्लासेस का चैनल चेक करना है तो 3RDEYECLASSES क्लासेस चेक करें। और मैं पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थियों से यह अनुरोध करूँगा कि वो लॉकडाउन का फायदा उठाएं और घर पर बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे विद्यार्थी ही मुझे पढ़ सकते हैं, वो किसी भी कोचिंग में कहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें मेरी कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। ये बार में मैं अनुरोध करूंगा कि आज हम रीजनिंग का सेकंड क्लास लेने जा रहे हैं, कैलेंडर का, रीजनिंग में कैलेंडर का सेकेंड क्लास। हमने पिछली क्लास में डेट ऑफ बर्थ पे कौन सा दिन है वो निकालना सीखा था। आज भी एक ऐसा ही लेकर चलते हैं, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पर चलेंगे। जैसे मैं अपने कैमरामैन का डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ। क्या नाम है सर, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। 21 एक 97। ये हमारे कैमरामैन किशन जी का DOB है। मैं देखता हूँ कि ये किस दिन पैदा हुए हैं, तो पहले मैं इसको मुझबानी करने की कोशिश करता हूँ। 7 * 21 खत्म हो गया, 1 का कोड 0 खत्म हो गया, 1900 में से 1600 निकला खत्म हो गया, 300 बचा, 300 का कोड कितना हुआ 1, 97 को 1000 कम करेंगे तो 96 हो जाएगा, 96 को जस का तस लिखेंगे चूंकि वर्ष है, और 96 में 4 से भाग देंगे 24 बार जाएगा, तो 96 और 24, तो 96 को 7 से काटेंगे तो 13 * 7 = 91, कितना बचा 5, फिर 24 बार बचा है 7 * 21 = 21, कितना बचा 3, 5 * 3 = 8, पहले से 1 बचा है 9, तो 7 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, यानी किशन मंगलवार को पैदा हुए हैं, किशन मंगलवार को पैदा हुए हैं, ये मुझबानी हम लोगों ने देखा। अब इसको करके देखते हैं हम लोग, ये क्या है हमारा दिन है, और ये क्या है हमारा माह है, और ये क्या है हमारा वर्ष है। दिनों की संख्या जब भी 7 या 7 से ज्यादा होती है तो उसको भाग दे देते हैं, जब हम 7 से काट रहे हैं तो कुछ नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है। जनवरी माह का कोड साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों में 0 ही होता है, तो यहाँ भी 0 ले लेंगे। 1900 के निकटतम ऐसा कौन सा वर्ष है जो 400 के गुणा पर है, तो वह 1600 है। 1600 में क्या जोड़ दें कि 1900 हो जाए, तो 300, और मैंने बोला था वर्ष को हमेशा एक कम करके लिखेंगे, यानी 96 वर्ष। 1600 का कोड 0, 300 का कोड 1, 96 चूंकि वर्ष है तो उसको जस का तस लिख दें और 96 में 4 से भाग दे दें, तो 24 * 4 = 96, 4 से भाग देने में जितनी बार जाता है वो अतिरिक्त दिन होता है, तो 24 बार जाएगा। अब जहां जहां 7 से भाग जा रहा है काट दो, तो 13 * 7 = 91, 96 में से 91 खत्म हो गया, कितना बचा 5, 7 * 21 = 21, 21 * 3 = 24, कितना बचा 3 बचा। अब जरा देखिए 5 * 3 = 8 = 9, यानी कुल अतिरिक्त दिन आ गया 9। जब भी दिन 7 या 7 से ज्यादा होता है तो 7 से फिर भाग देते हैं, 7 * 1 = 7 कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 मतलब कितना मंगलवार, यानी किशन मंगलवार को पैदा हुए हैं, जो हम लोगों ने मुंह जवानी भी निकाला था। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बस ये है कि आपकी अगर ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो जैसे हम लोगों ने शुरू में स्पीड में मंगलवार लाया उतना समय लगेगा परीक्षा में आपको, बस ये तो मैंने बस एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा ऐसा है, आप भी ऐसा कर सकते हो एकदम बेहिचक, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा आपको, तो इसको जरा आप समझिए और दिमाग को स्थिर करिए, एकाग्र करिए, सोचिए कि कैसे मैं कर रहा हूं, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आएंगे, नोट करिए। अब हम आते हैं, एक छोटा सा लॉजिक है साधारण वर्ष और लीप वर्ष में। साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन, प्रथम दिन होता है 1 जनवरी, अंतिम दिन होता है 1 दिसंबर। साधारण वर्ष में अगर प्रथम दिन 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा, लेकिन लीप वर्ष में थोड़ा सा चेंज है। प्रथम दिन 1 जनवरी को अगर सोमवार है, 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। समझ गए होंगे लीप वर्ष में क्यों ऐसा है, क्योंकि लीप वर्ष में एक दिन अतिरिक्त है,
जब एक दिन अतिरिक्त है तो एक दिन बढ़ेगा भी, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मुझबानी लगाएंगे, मैं बताता हूँ मुझबानी लगाएंगे कैसे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी को जो होगा वही 31 दिसंबर को होगा, लीप वर्ष है 1 जनवरी को जो होगा तो 31 दिसंबर को एक दिन आगे होगा। ये 31 दिसंबर तक की बात है, उसी वर्ष में मैं फिर बोल दूं उसी वर्ष में, लेकिन अगले वर्ष की बात करूं मैं, ध्यान दीजिएगा, मैं अगर अगले वर्ष की बात करूं, जैसे साधारण वर्ष में प्रथम दिन 1 जनवरी है तो अगले वर्ष भी 1 जनवरी। यहां पर एक दिन चेंज हो जाएगा, जैसे सोमवार है तो मंगल हो जाएगा, लेकिन लीप वर्ष में सोमवार है तो 2 दिन बढ़ जाएगा आगे, यानी यहां हो जाएगा बुधवार। इस चीज को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं बोलूं कि ये 2020 चल रहा है, और 2020 क्या है, लीप वर्ष है, 2020 क्या है, लीप वर्ष है, और इस लीप वर्ष में फरवरी माह बीत चुका है, 29 फरवरी बीत चुकी है, यानी लीप वर्ष का टाइम खत्म हो चुका है। अब जो हम समय है, इस समय हम अप्रैल माह में है, मान लीजिए अप्रैल माह में 21 अप्रैल को सोमवार है, तो अगले साल 2021 में 21 अप्रैल को सोमवार है तो अगले साल वह मंगलवार हो जाएगा। अगले साल का क्या हो जाएगा, मंगलवार। अब आप लोग सोचोगे सर लीप वर्ष में 2 दिन आगे जाना चाहिए था, लीप वर्ष में जाना तो चाहिए था, लेकिन लीप वर्ष का 29 तारीख बीत चुका है। अब हमारे इस 21 अप्रैल से अगले 21 अप्रैल के बीच में जो फरवरी माह आएगा वह लीप वर्ष का नहीं होगा, वह साधारण वर्ष का होगा, और साधारण वर्ष में फरवरी माह में 28 तारीख होती है। दोस्त मैं जैसे अब आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि अगर January 26, 2020 को सोमवार है तो 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, तो जरा एक बात का ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी वर्ष बदल गया, तो इस 26 जनवरी से इस 26 जनवरी के बीच में जो फरवरी माह आ रहा है उस पर ध्यान देंगे। 26 जनवरी के बाद फरवरी माह जो आएगा वो किसका आएगा, 2020 का, 2020 क्या है, लीप वर्ष, और इस दौरान कौन सी तारीख आएगी, 29 फरवरी। तो यहां पर जो ये फरवरी माह आएगा वह 29 दिन का होगा, कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा। तो जब भी एक वर्ष के बीच में फरवरी माह 29 दिन वाला आए, यहां पर अगले साल में सेम तारीख पर 2 दिन आगे बढ़ जाएगा, जैसे सोमवार है तो मंगलवार बुधवार हो जाएगा, यानी यहां पर हम डायरेक्ट लिख देंगे बुधवार, यहां पर हमें कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं फिर ले लेता हूं 2 फरवरी 1996 को अगर शुक्रवार था, 2 फरवरी 1996 को शुक्रवार था, तो 2 फरवरी 1997 को कौन सा दिन होगा, तो 2 फरवरी 1996 इस 2 फरवरी से इस 2 फरवरी के बीच जो फरवरी माह आ रहा है वह 29 तारीख का है। क्यों, 2 तारीख के बाद 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 29 तारीख किसका, 96 का, 96 क्या है, लीप वर्ष है। तो यहां पर 29 फरवरी जो डिफरेंस आया वो लीप वर्ष का आया, यहां पर हम 2 दिन आगे बढ़े थे, यहां पर भी हम 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो शुक्रवार है तो शनिवार और रविवार, यानी 97 में उसी तारीख को हमारा आंसर आएगा क्या, रविवार आएगा, क्या आएगा दोस्त, रविवार आएगा। इसको नोट करते रहिए, अब तक हम ऊपर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मैं साधारण वर्ष ले रहा हूं, जैसे मैं बोल दूं सन 2019 का, मैंने बोला कि 19 अप्रैल सन 2019, छोटा हो गया थोड़ा, 19 अप्रैल सन 2019 को यदि मंगलवार है तो 19 अप्रैल सन 2020 को कौन सा दिन होगा, अब जरा देखिए 19 अप्रैल 2019 को मंगलवार, तो 19 अप्रैल 2020, तो इस 19 अप्रैल से इस 19 अप्रैल के बीच में फरवरी माह आएगा,
क्या आएगा, फरवरी माह आएगा। तो जो फरवरी माह आएगा 2019 का तो फरवरी माह बीत चुका है, 2019 का फरवरी माह बीत चुका है। अब जो फरवरी आएगा वो कब का आएगा, 2020 का आएगा। तो 2020 में जो फरवरी वो कितनी तारीख की होगी, 29 तारीख की, यानी लीप वर्ष का अंतराल हो गया। और जब भी लीप वर्ष का अंतराल होगा कितना दिन आगे बढ़ेंगे, 2 दिन आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर 2 दिन आगे बढ़ेंगे तो मंगलवार है, बुधवार और गुरुवार, बुधवार और गुरुवार, यानी यहां पर आंसर कितना आ गया, गुरुवार आ गया। फिर मैं एक साधारण वर्ष का ले लेता हूं डायरेक्ट, कि अगर 6 मार्च 2002 6 मार्च 2002 को गुरुवार है तो 6 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 6 मार्च से 6 मार्च के बीच में भी फरवरी माह आएगा, और ये फरवरी माह 2002 का फरवरी माह तो बीत चुका है क्योंकि पहले ही बीत चुका होगा तब 6 मार्च आया है। अब जो फरवरी माह आएगा वो किसका आएगा, 2003 का। अब जो फरवरी माह आएगा वो किसका आएगा, 2003 का। और 2003 में फरवरी माह साधारण वर्ष होता है, कितनी तारीख आएगी, 28 फरवरी। अब ये क्या आ रहा था, 29 और 28 फरवरी जो होता है वो क्या होता है, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होता है, एक। तो सिर्फ हम एक दिन आगे बढ़ेंगे, कितना दिन आगे बढ़ेंगे, एक दिन आगे बढ़ेंगे। तो गुरुवार से एक दिन आगे कितना हो जाएगा, शुक्रवार, यानी ये हमारा आंसर कितना आ गया, शुक्रवार। तो ये आपका मुझबानी क्वेश्चन लगने वाला है, आप इसको आराम से देख करके लगाइए। जब एक वर्ष का अंतराल हो और तारीख समान हो, एक वर्ष का अंतराल हो तारीख समान हो, तो बस हम एक चीज का ध्यान देंगे कि जो उस वर्ष का अंतराल है क्या उसके बीच में जो फरवरी माह आ रहा है वह 28 तारीख वाला है या 29 तारीख वाला है। तो अगर वो फरवरी माह 29 तारीख वाला है तो 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, और 28 तारीख वाला है तो सिर्फ 1 दिन आगे बढ़ेंगे, वही हमारा आंसर होगा। इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए। अब उसी पर आधारित 2 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ, जरा आप अपने से करिए। 10 जनवरी 2003 को सोमवार था तो 10 जनवरी 2004 को क्या होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा करते वक्त कि इसके बीच जो फरवरी माह आ रहा है वो 28 दिन का है कि 29 दिन का। अगर 29 दिन का होगा तो 2 दिन आगे बढ़ाइएगा, 28 दिन का होगा तो 1 दिन आगे बढ़ाइएगा, और देखिए आपका आंसर मुझसे मिलता है या नहीं मिलता है। पहले क्वेश्चन को करिए आप, दूसरे क्वेश्चन को करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलिए मैं आता हूं। अब जरा देखिए, 10 जनवरी 2003, तो 10 जनवरी के बाद तो फरवरी माह ही आएगा, और वो फरवरी माह किस वर्ष का होगा, 2003 का। और 2003 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में फरवरी माह कितनी तारीख की होती है, 28। यानी इसके बीच जो फरवरी माह आ रहा है वो 28 वाला आ रहा है, और 28 वाले में कितना दिन आगे बढ़ते हैं, 1 दिन आगे बढ़ते हैं। तो सोमवार से यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने क्या किया है, जो भी आपका आंसर होगा मुझसे मिलान कर लीजिएगा। यहाँ 20 मार्च से 2003 के बीच जो फरवरी माह आएगा वो फरवरी माह 2003 में तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 2003 का फरवरी माह बीत चुका है। अब जो भी फरवरी माह आएगा 2004 का आएगा, और 2004 हमारा लीप वर्ष है, क्यों, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा। और लीप वर्ष का फरवरी माह कितने तारीख का होता है, 29। अब मैंने बोला था जब इस अंतराल में फरवरी माह 29 का होगा तो कितना दिन आगे बढ़ेंगे, 2 दिन आगे बढ़ेंगे। तो मंगलवार है तो बुधवार और गुरुवार, यहाँ पर आंसर क्या आया, गुरुवार। आप अपना मिलान कर लीजिए क्या है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जो कोड दिया था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, उसमें हम लोग लिखवाए थे 0 33 614 625 0 35, ये हमारा साधारण वर्ष का था। अब हम लीप वर्ष का बोले थे 1 दिन आगे बढ़ेगा, 1 दिन आगे बढ़ेगा, जनवरी फरवरी माह का नहीं, जनवरी फरवरी माह का दोनों में क्या होता है, समान होता है। मार्च है तो मार्च का हमारा 1 दिन आगे बढ़ेगा तो कितना होगा, 4। अप्रैल का 1 दिन आगे बढ़ेगा तो कितना होगा, 6 1 7, और 7 का मतलब क्या, 0। मार्च का 1 दिन आगे बढ़ेगा तो 1 1 2, और मई जून का 1 दिन आगे बढ़ेगा तो 5, जुलाई का 1 दिन आगे बढ़ेगा तो 7, और 7 का मतलब 0। फिर अगस्त का 1 दिन आगे बढ़ेगा तो क्या, 3। फिर सितंबर का 1 दिन आगे बढ़ेगा तो क्या, 6। अक्टूबर का 1 दिन आगे बढ़ेगा तो क्या, 1। नवंबर का 1 दिन आगे बढ़ेगा तो क्या, 4। दिसंबर का 1 दिन आगे बढ़ेगा तो क्या, 6।
अच्छा पिछली वीडियो में मैंने बोला कुछ और था, यहाँ पर मुझसे एक काम करके लिख दिया गया था, वो गलत था, उसको सुधार कर लीजिएगा। बहुत बच्चे कमेंट किए थे, बताए थे, तो मैंने उसको बताया कि नहीं बच्चे दो नहीं होगा, चार होगा, क्योंकि जब लीव पोस्ट में एक दिन बढ़ रहा है बेटा तो यहाँ पर नंबर में घटेगा तो है नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है। तो वो बोला था कुछ और लिख गया होगा दो, तो उस पर मत ध्यान दीजिएगा, दो गलत है और हमारा चार सही है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, अगर कॉपी में आपने गलत उतारा है तो, ठीक है, नोट करिए। अब हम रजनी के कैलेंडर के अगले टॉपिक पर आएंगे। जैसे ये दे दिया, मान लीजिए हम मेरा मेरा डेट ऑफ बर्थ दे दिया कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है यदि शुभम, दे दिया कि यदि शुभम 27 अक्टूबर 1947 को, लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, यदि शुभम 27 अक्टूबर 1987 को पैदा हुआ तो वह कब कब 30 वर्ष 5 माह 20 दिन का होगा, 20 दिन का होगा, ये क्वेश्चन है। तो मैं पहले लिख दे रहा हूं 27 अक्टूबर जो होता है वो 10 होता है, और जो ये वर्ष है 1987 है। तो यहां पर ये हमारा वर्ष हो गया, ये हमारा माह हो गया, और ये हमारा दिन हो गया। तो 20 दिन, तो दिन को दिन में लिखना, 5 माह तो माह को माह में लिखना, 30 वर्ष तो वर्ष को वर्ष में लिखना, और सबको जोड़ देंगे हम 7 0 7 8 3 11 के 1 हाथ में लगा 1, 9 1 10 के 0 हाथ में लगा 1, 2017 10 5 15 7 2 2 4। अब इसमें हम सबसे पहले जोड़ने के बाद वर्ष पर जाएंगे कि क्या 2017 वर्ष होता है, बिल्कुल होता है, 2017 अभी तो बीता है इन सब पहले, लेकिन क्या 2017 वर्ष में 15 माह आए थे क्या? नहीं भाई, अधिकतम माह 12 ही होते हैं, 15 नहीं होते हैं, तो ये सही नहीं है, इसको हम सही करेंगे। अधिकतम माह होते कितने हैं? 12। तो जितने अधिकतम माह होते हैं उसे हम घटा देते हैं, तो 15 में से 12 गया कितना आया? 3 आया। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने 12 माह घटा दिया, 12 माह घटाने का मतलब होता है मेरे भाई एक वर्ष, यूं ही हम एक वर्ष थोड़े घटा देंगे। अच्छा चलो हम घटा दिए, तो एक वर्ष घटा दिए तो वर्ष को एडजस्ट करेंगे, और उसे कहां जोड़ेंगे? वर्ष में जोड़ेंगे। उसे कहां जोड़ेंगे? वर्ष में जोड़ेंगे। तो जब यहां पर एक वर्ष जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे भैया? 2018। तो 2018 वर्ष में तीसरा माह यानी मार्च माह आता है, बिल्कुल आता है, तो 2018 में मार्च माह आता है, इसको हम ऐसे रख देंगे। फिर आगे बढ़े, क्या मार्च महीना में 47 तारीख होती है क्या? नहीं, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में अधिकतम 31 तारीख होती है, तो 2018 के मार्च महीना में अधिकतम 31 तारीख होनी चाहिए थी, लेकिन यहां 47 दिखाया है तो ये सही नहीं है, इसको सही करेंगे। सही कैसे करते हैं? अधिकतम घटाकर, तो यहां से हम 31 घटा देंगे, तो 7 में से 1 गया मेरे दोस्त 6, 4 में से 3 गया मेरे दोस्त 1। अब देखो जरा 31 दिन घटा दिया मैंने, तो 31 दिन घटाने का मतलब एक माह घटा दिया, यूं ही हम माह नहीं घटा देंगे, अगर घटा रहे हैं तो माह का एडजस्ट करेंगे, माह को माह में जोड़ देंगे। तो एक माह घटाया, यहां पर एक माह जोड़ देंगे, यहां पर कितना आ गया? 4, यानी हमारा ये आ गया 16 महीना 4 यानी अप्रैल 2018। यानी हम इसको कह सकते हैं कि 16 अप्रैल 2018 को शुभम 30 वर्ष 5 माह 20 दिन का हुआ होगा। इसको जरा नोट करिए, ध्यान से नोट करिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पहले सबको जोड़ देंगे, फिर देखेंगे वर्ष में माह कितना है, अधिकतम माह से ज्यादा है तो अधिकतम घटाएंगे और उसको हम वर्ष में जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि उस माह में तारीख कितना है, अगर उस माह के अधिकतम तारीख से ज्यादा है तो अधिकतम घटाएंगे और उस माह में जोड़ देंगे, और वो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसको नोट करिए जरा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यदि पंकज 15 नवंबर 1996 को पैदा हुआ है, 15 नवंबर का मतलब 11 महीना, और यहां लिख दिया 1996, 25 दिन, तारीख को तारीख में लिखो, माह माह को माह में लिखो, 15 वर्ष को इसको यहां लिखो, और सबको जोड़ दो, 6 5 11 के 1, 9 1 10 के 11 के 1 हाथ में लगा 1, 9 1 10 के 0
हाथ में लगा एक 2011 एक 12 25 15 40। मैंने क्या बोला था, हम सबसे पहले जाएंगे वर्ष में, तो वर्ष क्या है 2011 होता है, बिल्कुल होता है। तो 2011 माह में 2011 वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीने मतलब दिसंबर, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन 2011 के दिसंबर माह में अधिकतम तारीख कितनी होनी चाहिए, 31, लेकिन यहाँ कितना है 40, तो अधिकतम घटा देंगे। तो 40 में से जब 31 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 9 आएगा। अब जरा देखो 31 घटा दिए तो पूरा का पूरा एक माह घटा दिए, तो अब ये माह कहाँ जुड़ेगा, माह में जुड़ेगा, तो यहाँ एक जुड़ जाएगा, तो 12 13 अब देखो, अब माह 13 हो गया, तो क्या 2011 में 13 माह होता है क्या, नहीं होता है। तो 2011 में अधिकतम माह कितने होने चाहिए, 12, और यहाँ कितना दे दिया, 13 दे दिया। तो यहाँ पर हम 12 क्या कर देंगे, घटा देंगे, अधिकतम घटाएंगे, तो अब यहाँ कितना हो गया, 1। जब अधिकतम घटा दिया है, क्योंकि 12 माह घटा दिया और 12 माह एक वर्ष के बराबर होता है, अब ये कहाँ जुड़ेगा, वर्ष में जाकर, यहाँ पर एक जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2012, यानी 9 जनवरी सन 2012 को पंकज 15 वर्ष 1 माह 25 दिन का होगा। आज कैलेंडर में हम इतना ही लेके चल रहे हैं, थोड़ा कुछ इमरजेंसी है, कुछ वर्क है, देख लेता हूँ मैं, फिर कल अगली वीडियो में हम लोग मिला जाएगा। फिर आप लोगों से अनुरोध है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि मैं लाइव आ सकूं। 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए लाइव होने के लिए, तो फिर ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस पर इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, स्प्रेड करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।